हेलो एवरीवन आज की जो ये स्टोरी है वो मैंने टेक्स्ट बुक में से ली है छोटे बच्चों की किताब में से तो हमेशा की तरह इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और इंग्लिश के एक एक वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी इसके थ्रू आप अपने इंग्लिश की कैबलरी ग्रामर और टेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप चाहे तो अपनी रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं छोटे बच्चों की स्टोरी है तो बहुत ही इजी है लेकिन काफ़ी कुछ ग्रामर का जो पार्ट है वो भी आपको सीखने को मिलेगा स्टोरी का नाम है सुंदरी रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी पढ़े स्टोरी को और इसका आनंद लें इसके मज़े लें सुंदरी सुंदरी यहाँ पर नाम है वॉज तो ये जो वॉज़ दे रखा है सिंपल पास्ट टेंस में वॉज़ का यूज़ होता है तो इसका यूज़ मैं आपको बता देती हूँ ग्रामर में यानी कि वर्ज़ और वर्ग का यूज़ हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में और इसका हिंदी में मतलब होता है था थे थी यानी कि जो सेंटेंस होगा ना उसमें जो सब्जेक्ट होगा जैसे कि ये सुंदरी यहाँ पर सब्जेक्ट है इसके बारे में बताता है क्या बताता है इसकी स्टेट यानी कि इसकी अवस्था इसकी पोजीशन मतलब कि इसकी स्थिति या फिर इसकी क्वालिटी यानी कि इसका गुण कि ये अच्छा है या बुरा है इस तरह से जब बताया जाता है तब हम यूज करते हैं वॉज और वर का सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया जाता कोई एक्शन नहीं होता है ठीक है और वाज़ का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो यहां पर उम्मीद है कि आपको वॉज और वर का कंप्लीट यूज समझ में आ गया होगा तो सुंदरी वॉज यानी थी या था ये देखेंगे क्या है बिग एक बड़ी रेड वाइट एंड ब्लू काइट एक लाल सफेद और नीली पतंग थी कौन थी ये सुंदरी एक काइट थी जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में इसके क्वालिटी के बारे में बताया गया है ठीक है और यह है सिंपल पास्ट टेंस वैन वैन का मतलब होता है जब बॉबी बॉबी इस लड़के का नाम है मेड यानी कि मेक की सेकेंड फॉर्म क्या है मेक की सेकेंड फॉर्म और मेक का हिंदी में मतलब होता है बनाना तैयार करना ठीक है ये है सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास टेंस है तो बनाया हर यानी इसे इस काइट के लिए हर का यूज हुआ है हर प्रोनाउन का शी स्माइल्ड एट हिम शी शी कौन है पतंगे काइट स्माइल्ड यानी स्माइल की सेकेंड फॉर्म स्माइल्ड यानी मुस्कुराई उसको देख कर मुस्कुराई तो स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना वैन बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम मतलब कि जब बॉबी ने उसे बनाया तो वह मुस्कुराने लगी यू आर अब आर इज आर एम का यूज बी सेम वर्क की जैसे ही होता है वर्ज वर्क का यूज़ करते हैं हम सिंपल पास टेंस में और इस आर एम का यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रजेंट टेंस में सेम वैसे ही सब्जेक्ट की यानी ये जो यू है न यहाँ पर सब्जेक्ट इसकी स्टेट को यानी इसकी अवस्था को इसकी पोजिशन को इसकी क्वालिटी को बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस में इस आर एम का सहारा लेते हैं यूज़ करते हैं आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई का यूज करते हैं हम एम के साथ तो ब्यूटीफुल क्वालिटी बताई जा रही है तुम कैसी हो सुंदर हो हो मतलब आर एंड आई विल कौन सा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस कॉल कॉल का मतलब होता है बुलाना यहां पर है मैं तुमको बुलाऊंगा क्या यानी तुम तुमको सुंदरी सुंदरी कहकर मैं तुमको बुलाऊंगा ही सैड इस लड़के ने बॉबी ने सैड यानी कहा verb की second form, say की सैड ठीक है यानी कि एक दिन बॉबी बॉबी टुक टेक की सेकेंड फॉर्म है ठीक है और टेक का मतलब क्या होता है उठा लेना बनाना खाना पाना या ले जाना लेना या ले जाना तो यहाँ पर क्या होगा हम देखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसका मीन हिंदी में लेंगे सुंदरी टू द फेयर यानी कि सुंदरी को ले गया तो यहाँ पर टुक का मतलब है ले गया सिंपल पास्ट टेंस है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है टू द फेयर कहाँ ले गया फेयर में फेयर का मतलब है मेला एक दिन बॉबी काइट को सुंदरी को मेले में ले गया द बैंड बैंड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन मतलब गाने वालों की जो मंडली होती है उसको कहेंगे बैंड वॉज प्लेइंग प्ले करना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बज जाते हैं ना तब हम प्ले करना कहेंगे खेलने का मतलब भी प्ले होता है लेकिन कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए हम प्ले वर्ड का यूज करते हैं वॉज प्लेइंग है तो ये कौन सा टेंस है काम चल रहा है कंटिन्यू है तो कौन सा टेंस है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस द बैंड वॉज प्लेइंग गाने वाली जो मंडली थी वो गाना बजा रहे थे जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे एवरी वन एवरी वन वॉज स्माइलिंग तो एवरी वन के साथ वॉज का यूज हुआ है ठीक है इसको सिंगुलर सब्जेक्ट रखा है एवरी वन मतलब हर कोई मुस्कुरा रहा था यहाँ पर वॉज था तो ये वाला वॉज स्माइल के आगे आई एन जी लगाए यानी वर्ब के साथ आई एन जी एड है और यहाँ पर भी तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब कि गाना बजाना चल रहा था और हर कोई मुस्कुरा रहा था अ मैरी गो राउंड मैरी गो राउंड होता है जो गोल मेलों में झूला जु, होता है ना राउंड गोल वाला जो झूला उसको कहेंगे इंग्लिश में मैरी गो राउंड वॉज हैप्पी लिटिल ट्यून ट्यून का मतलब होता है धुन और एक खुशी से भरी हुई और लिटिल का मतलब हल्की वॉज प्लेइंग वो जो मैरीगो राउंड था ना उसमें हल्की धुन चल रही थी या फिर बज रही थी ठीक है बजना प्ले इट वॉज कैरिंग इट इट का यूज़ हुआ है या इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं तो मैरीगो राउंड यानी उस झूले के लिए यूज हुआ है इट का वॉज कैरिंग तो ये भी कौन सा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैरी का मतलब होता है ले जाना ढोना या साथ रखना तो ले जा रहा था ले जा रहा था वो झूला या ढो रहा था लॉट्स ऑफ बॉयज मतलब बहुत सारे लॉट्स मतलब बहुत सारे लॉट्स ऑफ बॉयज़ बहुत सारे लड़के और लड़कियों ठीक है गर्ल्स राउंड गोल राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल ऑन इट्स वुडन एनिमल्स जो उसके ऊपर वुडन वुडन का मतलब है लकड़ी के एनिमल्स जो थे इट्स यानी इसके जो लकड़ी से बने हुए एनिमल्स है ना जानवर उनके ऊपर बहुत सारे लड़के और लड़कियों को ले जा रहा था उस झूले के चारों तरफ लकड़ी के जो एनिमल्स बने हुए थे उसके अंदर बैठा के उनको घुमा रहा था राउंड राउंड बॉबी लुक्ड फॉर लुक्ड फॉर का मतलब होता है खोजना खोज करना ढूंढना या तलाश करना क्या खोज रहा था फॉर एन ओपन स्पेस एक ओपन स्पेस को एक खुले स्थान को एक खुली जगह वेयर यानी जहाँ ही कुड रन ही यानी वह है और कुड यहाँ पर क्या है कुड का यूज भी मैं बता देती हूँ आपको कुड यहाँ पर मॉडल है ठीक है कैन की पास्ट फॉर्म होता है कुड यानी इसमें सेंटेंस के लास्ट में मतलब वर्ब के लास्ट में क्या आता है सकता था सकती थी या सकते थे या फिर सका था सकी थी या सके थे इस तरीके से आ सकता है और पास्ट एबिलिटी पास्ट पॉसिबिलिटी रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए हम कुड का यूज करते हैं तो क्या इसमें क्या है पास्ट क्या होता वो ही कुड रन वह रन कर सकता रन कर सकता था क्योंकि कुड है सकता था भाग सकता था एंड फ्लाई हिज काइट और उसकी काइट को उड़ा सकता था ऐसी ओपन स्पेस की तलाश कर रहा था वो ठीक है सुंदरी लुक्ट टू यानी सुंदरी भी देख रही थी सुंदरी भी खोज रही थी ठीक है सुंदरी यानी पतंग तो ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ पर कुड मॉडल का यूज हुआ है कैन की जगह यानी कि कैन की पास्ट फॉर्म है कुड मॉडल आउट इन द आउट यानी बाहर इन द ग्रास यानी कि घास में रैन सेकेंड फॉर्म रन की भागा बॉबी होल्डिंग अप यानी पकड़े हुए ऊपर हिज काइट जो उसकी पतंग थी ना उसको एज़ एज़ हाई एज ही कुड एज़ हाई एज यहाँ पर ये है एज़ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आए एडजेक्टिव और फिर एज आता है तो ये कंजंक्शन का काम करती है इसका मतलब होगा कि उतना उतना ऊंचा उसने पकड़ रखा था जितना ऊंचा वो पकड़ सकता था मतलब इसका हिंदी में मीन क्या होगा ये एज फिर एडजेक्टिव और फिर एज आता है तो इसको हम कंजंक्शन कहते हैं अब इसकी हिंदी में इसका क्या मीन होगा मतलब बॉबी अपनी पतंग को जितना ऊंचा ले जा सकता था उड़ाता हुआ घास की तरफ भागा जितना ऊंचा ले जा सकता था एज हाई एज हाई एज ही को जितना ऊंचा ले जा सकता था उतना ऊंचा उसने उसको रखा और किसकी तरफ भागा घास के मैदान की तरफ घास के मैदान में पफ द विंड केम अलोंग यानी हल्के हवा के झोंके के साथ हवा आई हल्का हवा का झोंका होता है ना हल्का जो साउंड आता है पफ करके आता है इस तरीके से इसको आ, बताया गया है कि हल्के हवा का जो झोंका था ना इस तरह से वो हवा साथ, साथ आई उस हवा के झोंके के साथ आई ये कहने का सेंस है यहाँ पर सुंदरी स्टार्टेड सुंदरी ने स्टार्टेड यानी शुरू किया तो यहाँ पर स्टार्टेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म टू फ्लाई टू फ्लाई मतलब उड़ना अप यानी ऊंचा सुंदरी ने ऊंचा उड़ना शुरू किया बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई लेकिन वह कुड नॉट वही सेम कैन की पास्ट फॉर्म है कुड मतलब क्या नहीं कर सकी क्या नहीं कर सकी गो जाना वेरी हाई यानी ज़्यादा ज़्यादा ऊंचा नहीं जा सकी थी, सकी या सकी थी अ लिटिल डॉग यानी कि एक छोटा कुत्ता होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग ऑन होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़ना, थीके? पकड़ना ठीक है, यानी पकड़े हुए था तो her long tail, उसकी हर यहां पर काइट की लंबी टेल को टेल मतलब पूंछ जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है इसने इस कुत्ते ने इस पतंग की पूंछ को टेल को पकड़ रखा है नेक्स्ट है कि इट वॉज इन माउथ इट यानी ये जो टेल है वो इसके माउथ में थी वो का यूज मैंने बता दिया सिंपल पास टेंस है नेक्स्ट है बॉबी शूड शू यानी शू की सेकेंड फॉर्म है शूड बॉबी ने शू किया यानी भगाना भगाया द डॉग अवे कुत्ते को अवे यानी कि दूर भगाया वी विल ये क्या है विल है ठीक है वी विल ट्राई अगेन अगेन यानी फिर से और ये सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हम फिर से कोशिश आ, करेंगे दोबारा से बॉबी सेड बॉबी ने कहा सेकेंड फॉर्म सेड दिस टाइम यानी कि इस बार सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर अब यहां पर दे रखा है लीप्ड अप लीप अप का मतलब होता है ऊंची छलांग ठीक है ऊंची छलांग होता है और लीप का मतलब होता है अचानक तेजी से जाना अप यानी ऊपर इन द एयर यानी अचानक तेजी से वो हवा में चली गई शी उड़ने लग गई मतलब शी टग्ड अब टग का मतलब होता है शी कौन है यहाँ पर काइट है और टग का मतलब होता है खिंचाव यानी झटका देना एकदम से झटका देना हार्ड हार्ड मीन्स विद ऑफ फोर्स मतलब बहुत ज्यादा जोर के साथ उसने क्या किया झटका दिया ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट अब यहाँ पर लेट का यूज़ मैं बता देती हूँ लेट का यूज़ होता है कि कोई भी काम करने देना अलाउ करना तो उसने कहा शी वॉन्टेड वह चाहती थी हाउ कि यानी कैसे कैसे वह चाहती थी कि बॉबी उसको अलाउ कर दे गो यानी जाने के लिए ऑफ हर स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है हिंदी में थ्रेड यानी कि डोरी डोरी के साथ उसको जाने दे छोड़ दे उसको अलाउ कर दे उसके उसको जाने के लिए यह था यहाँ पर इसका मीन नेक्स्ट है कि की गेव फॉर्म गेव यानी दिया बिग टग एक बिग यानी बड़ा झटका टग मतलब झटका एक बड़ा झटका दिया यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस है बॉबी हैड टू लेट हर गो लेट का यूज मैंने बताया ना को कोई काम करने देना होने देना अलाउ करना तो मुझे जाने दे यानी कि छोड़ दे हैड टू का यूज़ करते हैं हम जब कोई काम हमको करना पड़ा या करना था इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है यानी क्या करना पड़ा उसको छोड़ना पड़ा ये करना पड़ा ना तो बॉबी हैड टू हर गो उसको जाने देना पड़ा उसको मतलब छोड़ना पड़ा उसको छोड़ना पड़ा वी ये इस क्राइड uh, सुंदरी अब uh, सुंदरी ने क्राइड uh, किया क्या किया वी अब इस क्राइड का मतलब मैं बता दूं क्राई की सेकेंड फॉर्म है क्राई का मतलब क्या होता है रोना चिल्लाना तो यहाँ पर रोएगी तो नहीं ना काइट तो काइट क्या करी चिल्लाई वी नाव अब आई कैन फ्लाई इसने ये कॉमा में जो कहा वो क्या कहा कि नाओ अब आई कैन फ्लाई मैं आ, क्या कर सकती हूँ उड़ सकती हूँ कैन क्या है कैन भी मॉडल है प्रेजेंट में यूज करते हैं हम इसका सेंटेंस के लास्ट में क्रिया के लास्ट में क्या आता है सकता है सकती है सकती हूँ ठीक है पावर एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट में नाउ आई कैन फ्लाई अब मैं क्या कर सकती हूँ मैं उड़ सकती हूँ एज हाई एज आई प्लीज एज हाई एज आई प्लीज तो जैसा कि मैंने बताया एज फिर एडजेक्टिव आता है फिर एज मतलब इसका हिंदी में जैसे मतलब देखेंगे जितना उतना मतलब जितना ऊंचा मैं चाहती हूँ ना उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ अब यहाँ पर प्लीज़ का मतलब बता दूँ प्लीज़ का हिंदी में मीन होता है कृपया खुश करना प्रसन्न करना अच्छा लगना इस तरीके से लेकिन यहाँ पर जो मीन है यानी कि चाहना वो चा, वो क्या चाहती थी कि मैं जितना चाहूँ उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ जितना और उतना का सेंस देता है ये एज और एज और बीच में क्या होता है एडजेक्टिव होता है और इसको बोलेंगे हम कंजंक्शन एंड नेक्स्ट है एंड अवे एंड अवे अवे का मतलब क्या होता है दूर फार She यानी वह went second फॉर्म है go की go went और थर्ड फॉर्म gone होती है तो यानी she गई वह she she यानी उकाइट flew फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है ये सिंपल पास्ट टेंस है ये ठीक है went सेकेंड फॉर्म है flew सेकेंड फॉर्म है अप यानी कि ऊंचा अप अप ऊंचा ऊंचा इन द एयर यानी कि हवा में क्या मतलब हो गया इसका एंड अवे शी flew शी up अप इन द एयर और वह हवा में ऊपर और ऊपर उड़ती चली गई ये है यहाँ पर जैसे कि इस पिक्चर में भी दे रखा है तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है तो यहाँ पर यह स्टोरी कंप्लीट होती है तो उम्मीद है कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक भी आपको आ, समझ में आए होंगे वो कैप भी आपने सीखी होगी तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच